कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, मुस्कान, है ना? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ जानती हूँ। इस घर में अकेली रहती हो ना तुम? कौन हो तुम? अरे डरो मत, मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने अखबार में वो ऐड दिया था ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। ऐड? कौन सी ऐड? अरे तुमने वो रूममेट के लिए ऐड दिया था ना, तो अब मैं तुम्हारे साथ में रहने के लिए आई हूँ। मैंने किसी भी अखबार में कोई ऐड नहीं दिया है। ऐड नहीं दिया? लेकिन तुम अकेली रहती हो ना, और मेरे पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसका मतलब है अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। हाय, आई एम स्नेहा। अरे ये क्या बात हुई? अरे देखो प्लीज ऐसा मत करो, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, और इतनी रात को मैं और कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे अपने साथ में रख लो प्लीज। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू। इतने बड़े घर में रहने में डर नहीं लगता? मुझे अपने घर में किससे डर लगेगा? आत्माओं से। आत्माओं से? कहते हैं कि आत्मा उन्हें तंग करती है जो अकेले हैं। वाह, तुम्हारा तो किचन भी बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट तुम्हारा पूरा घर बहुत सुंदर है। यहाँ की हर चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे पसंद है। स्ट्रेंज, है ना? ये किसका कमरा है? वो मेरा कमरा है। हाँ कर्टन्स, ये बेड, कबर्ड, कैंडल्स, इंटीरियर्स, ये सब कितना सुंदर है। काश ये सब कुछ मेरा होता। तुम मुझे अपना कमरा दे दो ना प्लीज। ये मेरा कमरा है, ये सारी चीजें मेरी पसंद की है। हाँ पर तुम तो यहाँ पर कितने टाइम से रह रही हो ना, अब मुझे दे दो ना प्लीज। अजीब बात है, अचानक तुम मेरे घर में आती हो, यहाँ रहने की बात करती हो, और इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकूं, तुम मुझसे मेरा ही बेडरूम मांग रही हो। I'm sorry, no way. मुस्कान मेरी बात तो सुनो, मैं कभी इतने बड़े कमरे में नहीं रही हूँ। ऐसे बड़े बड़े बेडरूम, सुंदर सुंदर बेडरूम तो मैंने सिर्फ सपने में देखे हैं, ड्रीम बेडरूम की तरह। तुम अब थोड़े दिनों के लिए तुम मुझे यहाँ रहने दो ना प्लीज 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 प्लीज। मेरी सारी चीजें, मेरे कपड़े, वो तुम कर ले। किताबें, मैं बहुत थक गई हूँ मुस्कान, अब तुम जाओ, कल सुबह आना। गुड नाइट।
मुस्कान, ये सब कुछ क्या हो रहा था? क्या कर रही थी तुम? मुस्कान? मुस्कान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? हाँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाथ बंद करो, मुझे दूर हो मुझसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जानती हूँ ये सब कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? तुम कर रही हो ये सब। मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे तुम्हारी आंखों के सामने ही तो मैं किचन में आई थी। तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं है। तुम हो सकता है कि कोई आत्मा हो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम फालतू में ही इतना सोच रही हो मुस्कान। ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे इस घर में आने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। कहीं तुम अपने साथ किसी बुरे साए को तो नहीं लाए? तुम पागल हो गई हो मुस्कान, और कुछ नहीं है। हाँ यही है, जरूर तुम अपने साथ किसी बुरे साए को लाए। मैं तुम्हें जितना समझा सकती थी मैंने समझाया, लेकिन इससे ज्यादा शायद तुम समझना ही नहीं चाहती मुस्कान। गुड नाइट। रुको स्नेहा, तुमने अब तक मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। कौन हो तुम? करती क्या हो? कहां से आई हो तुम? अपने बारे में मुझे जो भी बताना था मैं बता चुकी हूँ, और इससे ज्यादा बताना मैं जरूरी नहीं समझती। स्नेहा, स्नेहा तुम चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब? स्नेहा, कहीं मैंने इसे अपने घर में लाके करती तो नहीं करती? किसी नहीं है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है, अभी ठीक कर देती हूँ। नहीं स्नेहा, मत जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुस्कान प्लीज स्टॉप इट, सिंपल सा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, कोई आत्मा वात्मा नहीं है। स्नेहा प्लीज स्टॉप इट, मैं अभी उस आत्मा को ठीक करके आती हूँ। मुझे अब इस घर में और नहीं रहना, मैं यहां से चली जाऊंगी।
प्लीज मुझे मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मैं भी नहीं चल सकती। मैं यहाँ पर एक और मिनट नहीं रह सकती। मुझे प्लीज ले आ। देखो अगर तुम चली गई ना तो बहुत ना मुझे मार डालेगी। प्लीज। और वैसे भी इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? एक काम करते हैं, आज रात यही रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कल सुबह होते ही सबसे पहले चीज हम यहां से निकल जाएंगे हम यहां से।
खोलो, चली जाओ यहाँ से, खोलो, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें वो आत्मा, तुम्हें उसे टीवी में थी, किचन में थी, तुमने दो बार मेरी जान लेने की कोशिश की, चली जाओ यहाँ से। मुस्कान, ऐसा क्यों करूँगी? तुमने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी है ना, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? दरवाजा खोलो। तुम्हें वो आत्मा, जब से तुम्हें घर में आई तब से ये सब कुछ हो रहा है, चली जाओ यहाँ से। अरे मुस्कान, दरवाजा खोलो। नहीं, खोलो दरवाजा। नहीं, खोलो मुस्कान। चली जाओ, इस घर में लाके तुम्हें सबसे बड़ी गलती की मैंने। मुस्कान, देखो देखो मेरे पास बताना। मुस्कान, मेरे पास बताना, चाहती क्या हो तुम? नहीं मुस्कान, उस पे नहीं, मेरी बात सुनो। दूर रहो, चली जाओ। मुस्कान, मेरी बात तो सुनो। मुस्कान, देखो देखो मेरे पास बताना, पीछे मत जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुस्कान, मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो। ये आवाज इस बंगले से आ रही है। कौन हो? क्या हुआ तुम्हें? इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। उसे तो बचा लो। किसे? मुस्कान, मैं उसके साथ रहती हूँ, प्लीज उसे बचाओ, उसे बचा लो। यहाँ कोई नहीं रहता बेटा, ये घर 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। माना जाता है यहाँ सिर्फ आत्माएं रहती हैं। पिछले साल भी 2 लड़कियां ऊपर से गिरकर मर गई यहाँ। एक मिनट, पुलिस स्टेशन फोन कर। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। अब हम हमेशा साथ हैं।